दोस्तों, अगर हम अभी के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या उनके गानों का भी आपके सामने जिक्र करें, तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल उनके अश्लील गाने और मूवीज के अलावा कुछ दिमाग में नहीं आएगा। दोस्तों, जब तक भोजपुरी गानों में अश्लील शब्द नहीं आएंगे, तब तक भोजपुरी संगीत कहाँ कम्प्लीट होता है। जी हाँ, ये वही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े एक्टर भी काम कर चुके हैं। और यहाँ हमें गंगा किनारे हमरा गांव, बलम परदेसिया, ससुरा बड़ा पैसा वाला जैसे कई सुपरहिट मूवीज देखने को मिली है। लेकिन क्यों हमारी पुरानी संस्कृति को जीवित रखने वाली भाषा भोजपुरी को अश्लीलता के साथ जोड़ा जाता है? क्यों मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे टैलेंटेड एक्टर यूपी बिहार के होने के बावजूद इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते? आइए जानते हैं इसकी वजह इस वीडियो में। दोस्तों, बीते कुछ डिकेड्स में भोजपुरी इंडस्ट्री ने काफी तेजी से ग्रो किया है। आज बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, गुजरात समेत मॉरिशस जैसे देशों में भी भोजपुरी इंडस्ट्री के चाहने वाले करोड़ों लोग हैं। भले ही रितेश पांडे, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह को यूट्यूब पर लाखों व्यूज मिलते हो, लेकिन इनके गाने बिना हेडफोन लगाए सुनने लायक नहीं है। यही वजह है कि जब भी भोजपुरी गानों या फिल्मों का जिक्र होता है तो लोगों के दिमाग में डबल मीनिंग डायलॉग और अश्लीलता से भरे गाने ही याद आते हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि बीते कुछ डिकेड्स में भोजपुरी इंडस्ट्री में डबल मीनिंग डायलॉग्स और ये अश्लीलता वाले सॉन्ग्स आए हैं, या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री का इतिहास हमेशा से ऐसा ही रहा है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम थोड़ा इतिहास में जाना चाहेंगे। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक्टर और स्क्रीन राइटर नाजिर हुसैन से मिले और तब उन्हें पता चला कि हुसैन साहब यूपी और बिहार से सटे गाजीपुर के रहने वाले हैं। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनसे भोजपुरी में फिल्म बनाने को कहा। एक्चुअली राजेंद्र प्रसाद भी बिहारी थे और उनका अच्छा खासा लगाव भोजपुरी से था। हमारे पहले राष्ट्रपति के रिक्वेस्ट पे नाजिर हुसैन ने भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई वो लिखी, जिसके बाद वो डायरेक्टर बिमल रॉय के पास पहुँचे और उन्हें कहानी सुनाई। उन्हें कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन वो उसे भोजपुरी में नहीं बल्कि हिंदी में बनाना चाहते थे, मगर नजीर हुसैन ने इसे भोजपुरी में बनाने का ही फैसला किया। बिमल राय के ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद लंबे समय तक हुसैन को कोई डायरेक्टर ही नहीं मिल रहा था जो उनकी ये फिल्म डायरेक्ट करे। लेकिन बाद में कोयला व्यवसायी और सिनेमा हॉल मालिक विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी इस फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार हुए। नजीर ने निर्देशन की कमान बनारस के रहने वाले कुंदन शाह को सौंपी। फिल्म के लिए 1,50,000 का बजट तय हुआ, लेकिन बनते बनते ये आंकड़ा 5,00,000 को छू गया। मगर शाहबादी ने पैसे की फिक्र नहीं की और फिल्म को पूरा किया। 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई। उस दौर में इस फिल्म ने 80,00,000 का कारोबार कर दिया, सुपरहिट फिल्म का टैग हासिल कर लिया। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन इस इंडस्ट्री की शक्ल अब इतनी बिगड़ चुकी है कि अब कोई भी इनके फिल्म फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय नहीं कर सकता। क्यों आज भोजपुरी फिल्मों को अश्लीलता के साथ जोड़ा जाने लगा है और क्या है इस भोजपुरी इंडस्ट्री के डाउनफॉल की वजह, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती भोजपुरी फिल्मों में नजर आते थे, लेकिन समय के साथ साथ इस इंडस्ट्री में इतनी अश्लीलता फैलती गई कि हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े स्टार भोजपुरी फिल्मों से कतराने लगे। पहले के जमाने में भोजपुरी फिल्मों में एक गांव, सोशल इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और लोगों से जुड़ी समस्या को दिखाया जाता था, जो कि सोशल और इमोशनल होने के साथ लोगों के दिलों को भी छूती थी। लेकिन अब ज्यादातर फिल्मों में अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता और इस अश्लीलता का मोर्चा खेसारी लाल यादव, प्रदीप पांडे, रितेश पांडे, पवन सिंह जैसे स्टार्स ने संभाला हुआ है, जिसे वो अपनी दुकान चला रहे हैं। हाँ, इसमें रवि किशन एक्सेप्शन हो सकते हैं, क्योंकि चाहे वो भोजपुरी में हो, हिंदी में हो, पंजाबी में हो, वो हर जगह अपने आप को साबित करते हुए दिखाई दे ही जाते हैं। लेकिन बाकी के एक्टर्स के लिए तो सिर्फ अश्लीलता फैलाना ही है। दोस्तों, आलम ये हो चुका है कि 100 भोजपुरी गानों में 90 से ज्यादा तो अश्लील ही होते हैं। दोस्तों, ऐसा होने के अगर रीजंस की बात करें तो कई रीजन है, जैसे कि रीजन नंबर 1, लैक ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में खुद को बड़ा एक्टर साबित करने की लड़ाई तो चलती ही रहती है। कभी फेसबुक पर आकर एक्टर्स एक दूसरे को गाली देते हैं, तो कभी मीडिया के सामने दूसरे एक्टर का मजाक उड़ाते हैं। अब इन चीजों में वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, पर उनसे चूक तो एक ही चीज में हो जाती है और वो है एक्टिंग। जी हाँ, हमारे भोजपुरी एक्टर्स का दूर दूर तक एक्टिंग से मानो कोई लेना देना ही नहीं है, और हो भी क्यों, जब भोजपुरी इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए अच्छी एक्टिंग की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी बहुत सिंगिंग आती है तो आप इस इंडस्ट्री के लिए बेस्ट च्वाइस हो। इतना ही नहीं, जितना ज्यादा आप वल्गर गाने गाएंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। नंबर 2, प्रॉम्प्टिंग वल्गरिटी। दोस्तों, सिर्फ एक्टर ही नहीं, अगर एक्ट्रेसेज की बात करें
तो उन्हें भी एक्टिंग के स्किल्स की भी जरूरत नहीं। यहाँ पर उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि उनकी बॉडी को दिखाया जाता है। उन्हें सिर्फ वल्गर गानों पे नाचना और बॉडी को एक्सपोज करना आना चाहिए। यही वजह है कि एक तो हीरोइन को छोड़कर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपको जितनी भी एक्ट्रेस दिखेगी उनकी बॉडी साइज अजीब होती है और डायरेक्टर्स उसी को एक्सपोज करके फिल्म प्रोड्यूसर्स पैसे कमाते हैं। अब दोस्तों, भले ही एक्ट्रेसेज मेल एक्टर्स से ज्यादा अच्छी एक्टिंग करती हो, पर इनका इस्तेमाल सिर्फ वल्गैरिटी प्रमोट करने के लिए ही होता है। तभी आपको भोजपुरी में वुमेन सेंट्रिक फिल्म भी कम ही देखने को मिलती है। नंबर 3, प्रॉब्लम विद फिल्म मेकर्स। दोस्तों, 1963 में पहली फिल्म सुपरहिट होने के बाद 10 साल तक इस इंडस्ट्री में सिर्फ 21 फिल्में ही प्रोड्यूस की गई थी। वजह ये थी कि बेटर कंटेंट क्रिएशन, सभ्य संगीत, बेहतर डायलॉग्स और अच्छी एक्टिंग। लेकिन अब ये फिल्म इंडस्ट्री एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के लिए एक बिजनेस बन गई है और क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, हम इस बात से हैरान हो जाते हैं कि अक्षय कुमार की एक साल में 3 से 4 फिल्में रिलीज हो जाती है, पर इस चीज में भोजपुरी के एक्टर खेसारी लाल ने उनको मात दे दी है। उनकी 2013 में 10 फिल्में रिलीज हुई थी, वहीं 2014 में 11 फिल्में। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी होगी। दोस्तों, जल्दी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में यहाँ पर आम लोग भी फिल्म मेकर बन जाते हैं जिनको फिल्म की इतनी नॉलेज भी नहीं होती। दोस्तों, मौजूदा वक्त में भोजपुरी फिल्म उद्योग करीब 2000 करोड़ रुपए का हो गया है, लेकिन साल 1999 से 2000 के दौरान ये फिल्म उद्योग खत्म होने के कगार पर था। ऐसे में साल 2002 में बनी फिल्म सैया हमार बढ़िया कारोबार किया और भोजपुरी जगत निर्माताओं और निर्देशकों के बीच फिर से एक उम्मीद की किरण जगी। मगर इस बार भोजपुरी सिनेमा अश्लीलता की चाशनी में डूब गया। मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा वाला पैसा वाला की सफलता को देख भोजपुरी निर्माताओं ने कंटेंट को निचले स्तर पर पहुंचा दिया और दर्शकों को कुछ भी परोसने की रेस में शामिल हो गए। एक समय गवनमा लैजा राजा जी जैसे गानों ने भोजपुरी फिल्मों में 4 चांद लगा दिए थे, लेकिन ये सैया, साली, लहंगा, रिमोट, जवानी, चुम्मा से आगे नहीं बढ़ पाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।